बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है कि गैस्ट्रोकाइसिस एंड फेलोसील। बेसिकली क्या है गैस्ट्रोकाइसिस? जो है एक ओपनिंग है नियर द बेली बटन, मतलब कि जो एम्फेलोसील और गैस्ट्रोकाइसिस में जब हम डिफरेंस देखते हैं तो गैस्ट्रोकाइसिस की जो ओपनिंग होती है वो बेली बटन से राइट साइड पे होती है, वहाँ से गट बाहर आती है, और जो है वो डायरेक्टली उसके ऊपर से नहीं आती जैसे कि एम्फेलोसील में होती है कि उसकी जो है बेस ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब कि बेली बटन से उसकी गट बाहर आती है एम्फेलोसील में, लेकिन गैस्ट्रोकाइसिस में राइट साइड से आती है। और एम्फेलोसील और गैस्ट्रोकाइसिस में क्या डिफरेंस है कि एम्फेलोसील की जो ओपनिंग होती है उसके सारे ऑर्गन्स जो हैं, सब कुछ जो है, लीवर, किडनी, स्प्लीन, सब कुछ जो है वो एक कवरिंग में बंद होते हैं, एक थिन सैक एब्डोमिनल वॉल में जो है, इनर एब्डोमिनल वॉल में जो है पैक होते हैं, और वह सारे ऑर्गन्स एक जैसे थैली में बंद होकर बाहर आते हैं और फिर अंदर जाते हैं, उसकी मेल रोटेशन होती है। लेकिन एम्फेलोसील में जो है ये अगर बाहर नहीं जाती तो वह एम्फेलोसील है। गैस्ट्रोकाइसिस में जो है इसमें सारे जो है ऑर्गन्स बाहर आते हैं, इसकी जो होती है गट बाहर आती है, लेकिन इसमें जो है एब्डोमिनल वॉल नहीं होती, इसके जो सारे ऑर्गन्स हैं वो फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में, इसकी कोई भी थिन सैक या कवरिंग नहीं होती, इंटेस्टाइन जो है इनके कवर नहीं होते, जिसकी वजह से इसको हम गैस्ट्रोकाइसिस कहते हैं। और एम्फेलोसील में कवरिंग होती है, गैस्ट्रोकाइसिस में कवरिंग नहीं होती, इसमें ऑर्गन्स फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं। और एम्फेलोसील में जो है बेली बटन से गट बाहर आती है जो बेस होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की, और गैस्ट्रोकाइसिस में बेली बटन के साथ से राइट साइड से जो है गट बाहर आती है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं कि ये फीटस का हेड है, स्पाइन है, ये एब्डोमेन है, और एब्डोमेन से इसकी गट बाहर आई है, ये हमें गोल बॉल बॉल की तरह हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो है हम गैस्ट्रोकाइसिस में अगर हम देखें तो हमें ये ऐसे फ्रीली फ्लोट जो है ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।